हाय दोस्तों, क्या हाल चाल? बहन, इसे क्या हो गया? अरे बहन, वो तो ऐसे ही है। बस उसे बोल लेना कि वो बहुत ही अच्छी लग रही है। अगर नहीं बोलेंगे ना तो वरना गुस्सा हो जाएगी वो। तुम्हें पता है ना, मैं सुन सकती हूँ। दीदी, मैं हंसना नहीं चाहती पर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैं क्या करूं? कंट्रोल करने की कोशिश कर वरना तो हम पकड़े ही जाएंगे। रूबी, तो इसको मत सुन, ये जो भी बोल रही है ना झूठ बोल रही है। चल स्कूल चलते हैं वरना इसके कारण हम भी लेट हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, छोटी बच्ची है ना, अब इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, बाद में नहीं छोड़ूंगी इसे। यार, स्कूल करना जरूरी है क्या? सुबह सुबह उठ के स्कूल आना पड़ता है। मैंने अपना होमवर्क भी नहीं किया, मैम तो पक्का डांटेगी। है कौन से होमवर्क की बात कर रही है? आप दोनों तो गए काम से, इसलिए बोलते हैं शाम को सोना नहीं चाहिए। मैंने अपना काम तो शाम को ही खत्म कर दिया था, फिर मैं सो रही थी। मैं तो अच्छी बच्ची हूँ ना। है, तेरे को पता नहीं है कौन सा होमवर्क है? अरे मैम ने बोला था ना, वो हिस्ट्री का 1 से लेकर 5 तक चैप्टर पढ़ना है और मैम क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगी। और इस बार मैम सीरियस थी, आज मैम पक्का टेस्ट लेगी, देख लेना। अरे नहीं, हम दोनों गए काम से। ओ नो, अब क्या करें? मैं नहीं पिटना चाहती मैम से। नहीं प्लीज, ओ भगवान। ये मैं आपको पिटते हुए देखूंगी, बहुत मजा आएगा। चुप बैठ वरना मैं तेरे साथ खेलूंगी नहीं। और हमने ये डील बनाई थी ना कि अगर तू एक दिन के लिए अच्छी रही तो मैं तेरे को शाम में आइसक्रीम दिलाऊंगी। अब मैं तेरे लिए आइसक्रीम नहीं लूंगी, जा। हाँ हाँ ठीक है, मैं मम्मी से बोलूंगी। मैंने मम्मी को सुबह ही पूछ लिया था, मुझे आप पर विश्वास नहीं था। ये सब छोड़ रूबी, पर अब हम क्या करेंगे? शायद आज हमें मार खाना ही पड़ेगा। काश मैम उस होमवर्क के बारे में भूल जाए तो ठीक रहेगा। चल क्लासरूम में चलते हैं वरना मैम उसके लिए भी डांटेंगी, हम लेट हो गए हैं। ओ एमा सुन, आज हिस्ट्री वाली मैम है ना, वो एब्सेंट है। क्या सच्ची में? वाव, हम तो बच गए। पर हमें कल तो होमवर्क कंप्लीट करना ही करना होगा, वरना पता भी नहीं चलेगा ना कि मैम कल आएगी कि नहीं। चलो ठीक है, तुम एक दिन के लिए बच गए हो, पर देखते हैं कि तुम कल बच पाओगे कि नहीं। क्योंकि टीचर ने बोला था 1 से लेकर 5 तक, और एक दिन में इतना सब कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। मैं तो जा रही हूँ अपनी सीट में, बाय। चल मैं अपनी सीट में जा रही हूँ, तू भी अपनी सीट में चली जा, वरना कंप्यूटर वाले सर हमें डांटेंगे। चल रूबी, हम यहाँ लाइब्रेरी में खाते हैं, बाकी सब तो क्लासरूम में खा रहे होंगे। पर हम अपना लंच कहाँ रखेंगे? ये सोफा गंदा तो नहीं हो जाएगा ना? वैसे भी यहाँ पे कुछ कुछ टीचर्स यहाँ आके सोफे में बैठ के डिस्कशन करते हैं एग्जाम्स के बारे में। अगर ये गंदा हुआ ना, हमारा नाम चढ़ेगा। रूबी, हमें कुछ कहना है, क्या तुम वो चीज़ हमारे लिए कर सकते हो जो हम बोलेंगे? प्लीज पहले बोलो तो सही क्या काम है, तभी तो मैं कर पाऊंगी। वो ना क्या है जो हिस्ट्री का 1 से लेकर 5 तक चैप्टर्स हैं, और जो कंप्यूटर, इंग्लिश और ये जो भी होमवर्क दिए ना, वो बहुत छोटे छोटे होमवर्क हैं। तो वो क्या तुम कर सकते हो? प्लीज, तुम तो बहुत ही महान हो, तुम तो एक हीरो जैसी हो, तुम तो सारा काम कर लेती हो। मैं बता रही हूँ, तुम ये जो होमवर्क है ना, वो 1 मिनट में कर लोगे। क्या तुम मेरे बारे में ये सोचते हो? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, हम आज शाम को ही तेरे बारे में ही सोच रहे थे, और हमें थोड़ी मदद चाहिए थी अपने होमवर्क के साथ, तो सोचा तेरे से ही पूछ लेते हैं। बाकी जो हमारे क्लास में थे वो सारे बेकार हैं। क्या तुम मेरे बारे में ये सोचते हो? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, तुम तो परफेक्ट हो, सारा काम खुद ब खुद कर लेती हो। ठीक है ठीक है, कितना ही बोल रहे हो तो मैं करूँगी।
मेरे दोनों फ्रेंड्स ने बोला था मैं बहुत ही कूल हूँ, पर वो लोग है कहाँ पे पता नहीं कहाँ होंगे। मुझे उनका होमवर्क भी देना है। एक काम करती हूँ, इस दीवार के पीछे छुप जाती हूँ और अगर वो आएंगे तो मैं उनको डराऊंगी। बहुत मजा आएगा, चलो जाती हूँ। वो लोग हैं कहाँ पे? अभी तक नहीं आए। ओ वो आ रहे, कहीं छुपना पड़ेगा मेरे को। दीदी रूबी कहीं है तो नहीं ना? नहीं नहीं वो कहीं नहीं है, शायद वो लेट आएगी। दीदी यार मैं थक गई हूँ, जब देखो मेरे को उसके सामने अच्छी तरीके से बात करनी होती है। वो बहुत ही पागल है, जब देखो जहाँ पे भी हम होते हैं वहाँ पे वो आ जाती है। दीदी आप कुछ बोलो ना, आप कुछ ऐसा करो जिससे आप दोनों की दोस्ती टूट जाए। सही बात है, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने उसके साथ दोस्ती इसलिए की ताकि मेरी ये जो लोकप्रियता है ना वो और बढ़ जाए। मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं इन जैसे लूजर्स के साथ घूमती हूँ और उनके साथ अच्छे से बात करती हूँ। पर अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही पागल बन रही है। अच्छा तो तुम मेरे बारे में ये सोचते थे? कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे सोचोगे मेरे बारे में। रूबी तू क्या यहाँ कर रही है? हम तो बस ऐसे ही। नहीं नहीं मेरे को पहले बोलने दो। तुम लोग मेरे से ये सब काम करवाते थे, फिर मेरे बारे में बोलते थे और अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए मेरे को यूज कर रहे थे। ये बहुत ही गलत बात है। एमा मुझे लगा था तुम बहुत ही अच्छी लड़की थी, तो मैंने सोचा तुम हमारे साथ बेस्ट फ्रेंड्स बनके हम लोग खुश रहेंगे। पर तुम्हें सिर्फ अपनी लोकप्रियता में ही फर्क पड़ता है। बाय बाय, मैं कभी भी तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। रूबी ऐसा कुछ नहीं है, सुन तो मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं मेरे को समझाने की तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे को समझ आ चुका है कि तुम कैसी फ्रेंड हो और मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है। अब जाओ, मेरी शक्ल से हट जाओ।